आपने भी सीसॉ पर खेला होगा, क्या कभी गौर किया ये कैसे चलता है? How do you play on a seesaw? सही सोचा, हम मिलकर एक दूसरे के ऊपर और नीचे आने देते हैं। कभी एक साथ ही ज्यादा जोर या फोर्स लगाता है तो दूसरा बिल्कुल नहीं लगाता। ये देखें, ये सीसॉ पर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे भी तो लाना होता है। अगर हम अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं, तो क्या सीसॉ पर खेल सकते हैं? What will happen if we do not apply unbalanced force on the seesaw? जब दोनों साथी equal force से यानी balanced force से seesaw पर खेलने की कोशिश करेंगे, तो seesaw भला कैसे हरकत करेगा? Tug of war game याद है? इसमें एक टीम दूसरी टीम को पुल करती है और जिसने ज्यादा जोर लगाया वो जीत गया। ये देखें, ये दोनों टीम्स क्या कर रही हैं? अगर दोनों टीम्स एक जितना जोर लगा रही हैं, तो ये किस फोर्स की एग्जांपल है? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? और अब देखें, ये टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है और जाहिर है ये जीत गई। इस कार्ट को दोनों बच्चे एक तरफ से खींच रहे हैं और ये आगे की तरफ चल रही है। अगर दो बच्चे बैक साइड से इसको पुल करें तो क्या होगा? ये रुक जाएगी। अगर हम किसी चीज पर बैलेंस्ड फोर्स लगाएं, तो ये चीजें हरकत नहीं करेंगी और अनबैलेंस्ड फोर्स के जरिए चीजें हरकत करती हैं। मजे की बात ये है कि ये सब बच्चे पार्क में बैलेंस्ड फोर्स की वजह से खड़े हुए हैं। जरा सोचिए कैसे? वो ऐसे कि फ्लोर पुशेस द पर्सन अपवर्ड्स, यानी जमीन इंसान को ऊपर की तरफ पुश करती है, और ग्रेविटी पुल्स द पर्सन डाउनवर्ड्स, यानी कशिश शक्ल इंसान को नीचे की तरफ खींचती है। ये दोनों डॉग्स हड्डी पर लड़ रहे हैं। गौर से वीडियो को देखें और बताएं, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रही है या अनबैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये दोनों ही इस हड्डी को खा नहीं सकेंगे। और बस पर सैर तो सबने की होगी, ये सब बच्चे भी घर जा रहे हैं। खड़े होकर जाने में अपना ही मजा है, झूला भी मिलता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। ये देखें, बस ड्राइवर ने लगाई जोरदार ब्रेक और बस में मौजूद तमाम लोग एकदम से आगे की जानिब जाने लगे। When traveling in a bus, why do you continue to move forward when it stops? क्या आप बता सकते हैं कि हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं जब बस रुकती है? और अब ये बस दोबारा चली और सब लोगों को पीछे की तरफ धक्का लगा। ऐसा क्यों हुआ? Why do you get pushed backwards when the bus begins to move? ये इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया इज द क्वालिटी इन मैटर दैट लेट्स इट स्टे स्टिल इफ इट इज स्टिल और कीप इट मूविंग इफ इट इज मूविंग। इसका मतलब है कि हर चीज अपनी मौजूदा हालत में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। और हर चीज अपनी मौजूदा हालत में उस वक्त तक रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब आप बताएं, आर्म रेसलिंग में जीत बैलेंस्ड फोर्स लगाने से होगी या अनबैलेंस्ड फोर्स से? आंसर, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर आप दीवार को पुश करें तो दीवार भी आपको उतनी ही फोर्स से पुश करेगी। ये बैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल है या अनबैलेंस्ड फोर्स की? आंसर, बैलेंस्ड फोर्स। और इस बड़े से पत्थर को मूव करने के लिए बैलेंस्ड फोर्स चाहिए या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स? आंसर, अनबैलेंस्ड फोर्स।